हेलो दोस्तों, सक्सेस विद सोहेल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सोहेल, आपके बहुत ज़्यादा कमेंट के बाद मैंने एक वीडियो अपलोड करा था SSB ट्रेडमैन को लेकर। जो भी आपके डाउट रह गए थे मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने उस वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया, ठीक है भाई। अभी कुछ कमेंट में पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट थे आपके और जितने भी डाउटफुल कमेंट थे उनको सभी को मैंने इधर लिखा हुआ है और सभी को मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है भाई। सबसे पहले है बजरंग फौजी बोल रहे हैं कि भाई आपका चैनल छोटा है लेकिन जानकारी बहुत अच्छी है। बजरंग भाई, आपको दिल से सलूट है, आपने इतनी अच्छी बात लिखी। मेरा भाई, हमारा चैनल छोटा है, आप जैसे यूज़र उसको बड़ा करेंगे, ठीक है। आप सपोर्ट करते रहो, एक दिन चैनल बहुत अच्छा होगा, बड़ा होगा, एक बहुत अच्छी फैमिली होगी अपने, ठीक है बजरंग भाई। और दूसरा बोलते हैं रवि बोलते हैं कि सर आप करते क्या हो। रवि भाई, हमारा एक गांव है छोटा सा, इसमें हमारा कोचिंग सेंटर है ऑफलाइन, जो कि हम SSC रेलवे पुलिस की तैयारी कराते हैं, ठीक है। हमारा एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, ठीक है रवि भाई। फिर राधा कृष्णा बोलता है कि सर रिजल्ट कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, इसका भी हम अभी बताएंगे आपको कि रिजल्ट कब आएगा। फिर एक लड़का है @BING, ये बोलता है कि सर 23 का सबका कैंसिल हुआ क्या एग्ज़ाम। वो बोल रहा है कि सर जो 23 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था ये सभी का कैंसिल हुआ या सिर्फ एक दो सेंटरों का ही हुआ, इस पर भी हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर बोलता है इंडियन फौजी, सर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को कुछ फ़ायदा मिलेगा, अभी इस पर भी मैं बात करूँगा पूरा, ठीक है। फिर है कनकर जिया बोलता है सर असम से 34 नंबर है इसके, ठीक है, ड्राइवर होगा या नहीं। भाई असम से है बंदा जिसके नंबर है 34, ये बोल रहा है कि सर मेरा होगा या नहीं। मेरे भाई अभी बताता हूँ, ठीक है, चलो मैं आपका अभी डाउट क्लियर कर देता हूँ यहीं पर, ठीक है। SSB का कहना है कि 50% होना चाहिए, 50 से नीचे हम नहीं लेंगे। भैया आपके 34 है, नहीं होगा, ठीक है भाई। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको नहीं होगा, आप अच्छे से तैयारी करो, आराम से हो जाएगा अपना। अब बात करते हैं हम लड़कियों की, कुछ लड़कियाँ भी थी जिसके कमेंट थे। खुशी चौधरी बोलते हैं भैया मेरा 53 है, कुक क्या होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा अभी कट ऑफ बता दूंगा लड़कियों की कि कितनी जाएगी। फिर बोलती है शिवानी ठाकुर, सर मेरा 67 है, जनरल से है, नंबर आएगा या नहीं, ठीक है। इनकी भी ट्रेड कुकी है, इन सब पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, इतना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। व्यूज़ बहुत अच्छा था आपका, कमेंट भी बहुत अच्छा था, प्यार भरे कमेंट थे, ठीक है। पर सब्सक्राइब करने में कंजूसी करी आपने, ठीक है। लगभग 5000 व्यूज़ है, 4.7 के व्यूज़ है, आज रात को 5 के हो जाएगा, ठीक है। 4500 व्यूज़ होने के बावजूद भी आपका लगभग 183 लाइक था और सब्सक्राइब भी बहुत कम था, ठीक है भाई। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करा करो, ठीक है भाई। वीडियो अब बात करते हैं हम, ठीक है, अपने मेन टॉपिक पे। इतना चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। भाई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ओनली 2 दिन पेपर चलना था, सिर्फ एक ही दिन चला, इतना लंबा चौड़ा पेपर नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। लेवल सेम है सबका, ठीक है, और सिर्फ 2 ही शिफ्टों में पेपर हुआ। जो शाम वाली शिफ्ट थी, मतलब लास्ट वाली, उसमें होना था, उसमें तो हो गया था, जो सेकेंड डे था उसमें होना था, सिर्फ 2 ही शिफ्टों में पेपर होना था कम्प्लीटली। 22 को भी एक शिफ्ट हुई, 23 को भी एक शिफ्ट होनी थी, ठीक है, 23 को नहीं हुई। अब आते हैं कट ऑफ स्टेट वाइज जाएगी या नहीं। बच्चों के दिमाग में एक डाउट है कि कट ऑफ स्टेट वाइज जाएगी। कोई बोल रहा है कि सर मैं राजस्थान से हूँ, कोई बोल रहा है कि सर मैं दिल्ली से हूँ, कोई बोल रहा है सर मैं हरियाणा से हूँ। मेरे भाई, कट ऑफ स्टेट वाइज नहीं जाएगी। कट ऑफ जो जाएगी ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से जाएगी,
ठीक है, स्टेट वाइज नहीं जाएगी। ठीक है, अब बात आती है 23 वालों का एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है भाई, 23 वालों का एग्ज़ाम मैं बता दूँ आपको, 1 तारीख से 13 तारीख तक CRPF कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन का एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, इसमें अब तो होगा नहीं क्योंकि CRPF का चलेगा, क्योंकि सभी सेंटर बिजी रहेंगे। 13 के बाद होगा, 13 के बाद बहुत जल्द होगा। ठीक है, ऐसा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, फिर बात आती है कि सर रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट भाई मैं बता दूं आपको, रिजल्ट जैसे कि ट्रेडमैन आपका 22 तारीख को हुआ था पेपर, जब 23 तारीख वालों का भी हो जाएगा तो सबका इकट्ठा आएगा। ठीक है भाई, रिजल्ट अभी नहीं आएगा, पहले पेपर होएगा उसके बाद रिजल्ट आएगा। ठीक है भाई, अब बात करता हूँ मैं कट ऑफ की। कट ऑफ मैंने बता दिया था जनरल OBC SC और ST की कट ऑफ मैंने बता दिया था, अगर आपको आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी आप जाओ उसे वीडियो का देखो। ठीक है, पूरी मैंने उसमें EWS का कट ऑफ नहीं बताया था। ठीक है, EWS का कट ऑफ अब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, EWS का कट ऑफ क्या जाएगा, EWS का जाएगा 60 से 65 के बीच में। जिस भी बच्चे के 60 से 65 के बीच में नंबर है, चाहे वो किसी भी ट्रेड का है, 100% उसका फाइनल मेरिट में हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल फिट रहता है तो बच्चा। बात आती है फीमेल कट ऑफ की, हम बात करेंगे फीमेल कट ऑफ की, क्योंकि फीमेल के भी कमेंट थे, लड़कियों के कमेंट थे कि सर मेरा इतना है, सर मेरा इतना है, क्या होएगा। मैं आपको बता दूं, फीमेल के जिसके 55 से 60 के बीच में नंबर है, 100% हो जाएगा फाइनल तक। ठीक है भाई, ठीक है, आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए, मैं किसी का भी डाउट नहीं रखता, सभी का सॉल्यूशन देता हूँ साथ ही कमेंट के। मेरा ऐसा नहीं है कि कमेंट मार किसी ने कमेंट कर दिया उसका जवाब नहीं दिया, मैं सभी के कमेंट के जवाब देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है ना लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो। हाँ, एक और कमेंट था, ठीक है, बहुत अजीब कमेंट था कि सर कट ऑफ इतनी कम क्यों जाएगी। मेरा भाई, मैंने रीज़न बता रखा है कि कट ऑफ क्यों जाएगी कम। ठीक है, भर्ती बहुत ज़्यादा पुरानी होने के कारण, बहुत कम बच्चे पहुँचने के कारण, TCS कंपनी ले रही है पेपर, एक अच्छे लेवल का बनाती है पेपर, ऐसे तो TCS की बेइज्जती हो जाएगी अगर लो लेवल बनाएगी। ठीक है, इस कारण से आपकी कट ऑफ लो ही जाएगी। ठीक है मेरा भाई, कोई भी ऐसा अगर आपको कोई भी बहकावे में लेके जा रहा है कि सर कट ऑफ 80 जाएगी 85 जाएगी, नहीं जाएगी भाई, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली आज। ठीक है, ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।